Good morning everyone, welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are doing good. Okay, so students, in last class we have completed with the exercise 3.2, and in today's class we are going to start with the new exercise 3.3. okay, and this exercise 3.3 is based on basically rounding of the numbers to the nearest thousands and nearest 10,000s. ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, इसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स एंड नियरेस्ट 10,000s. इसमें हमें जो नंबर दिया है, उस नंबर को हमें नियरेस्ट 10,000 और नियरेस्ट 1,000 में से किसी एक मतलब उन्होंने पूछा होगा कि राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 1,000, सो वी विल राउंड ऑफ दैट नंबर टू द नियरेस्ट 1,000. इफ़ दे आस्क अस टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10,000, देन वी हैव टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 10,000. एंड लेट्स लर्न हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 1,000. ओके, सो we will solve the question number 1, in which we need to round off the given number to the nearest thousands. okay, hum question number 1 solve karenge jisme hame diya gaya number nearest thousand se round off karna hai. okay, so question number 1, round off to the nearest thousands. so I will be solving the question number 1's subpart B, and subpart A you have to solve on your own in your homework. okay, so यहाँ पर जो number है वो है 12,605. okay, क्या number दिया है उन्होंने हमें? 12,605. now we have to round off this number to the nearest 1,000. so यहाँ पर हम पहले ना places mark करेंगे. ये कौन सी place है? 10,000, thousands place, hundreds place, tens place and ones place. now as we have to round off the number to the nearest thousands, so जो thousand place का number है उसको round off करना है to the nearest 1,000. तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? we need to check the digit which is present at the hundred place. hundred place में क्या digit दिख रही है आपको? 1,000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है, इसलिए आपने 100 प्लेस के डिजिट को चेक करना है. 100 प्लेस में देयर इज़ अ डिजिट 6, यस और नो? यस. एंड वी हैव टू कंपेयर दिस डिजिट 6 विथ द डिजिट 5. अगर ये डिजिट 6 5 से ग्रेटर है, या दिस डिजिट 6 इज़ ग्रेटर और लेसर दैन 5, 6 इज़ ग्रेटर दैन 5. अगर 100 प्लेस के डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो जो ये 1,000 प्लेस का डिजिट है, दैट इज़ 2, दैट वी हैव टू इंक्रीज बाय 1. वाइल राउंडिंग ऑफ वी हैव टू इंक्रीज द 1,000 प्लेस डिजिट बाय 1 इफ द 100 प्लेस डिजिट इज़ ग्रेटर दैन 5. तो हमारी जो 100 प्लेस की डिजिट है वो ग्रेटर दैन 5 है, इट्स 6. 6 इज़ ग्रेटर दैन 5, दिस मीन्स जो 1,000 प्लेस का नंबर है 2, वो हमें एक से इंक्रीज करना पड़ेगा. वी हैव टू इंक्रीज दिस 1,000 प्लेस डिजिट बाय 1. सो 2 प्लस 1 विल बी हाउ मच? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स 1,000 प्लेस का डिजिट बनेगा 3, और बाकी सारे 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस, दिस ऑल डिजिट्स विल बिकम 0. सो राउंडिंग ऑफ करके आंसर क्या आएगा? 10,000 प्लेस डिजिट विल रिमेन एज इट इज़. 1,000 प्लेस के डिजिट को वी विल इंक्रीज बाय 1, एंड रिमेनिंग 3 डिजिट्स आफ्टर 1,000 प्लेस, रिमेनिंग 3 डिजिट्स आफ्टर 1,000 प्लेस विल बी 0, 0, 0. ठीक है, दिस इज़ द सिनारियो व्हेन योर 100 प्लेस नंबर इज़ ग्रेटर दैन 5. अगर इससे उल्टा है, व्हेन योर 100 प्लेस नंबर इज़ लेसर दैन 5, 5 से छोटा है, तो आपने क्या करना है? 1,000 प्लेस की डिजिट को एज इट इज़ रखना है. जो 1,000 प्लेस में डिजिट है उसको एज इट इज़ लिखना है, और जो 100 और 10s और 1s प्लेस के डिजिट से उन सब डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है टू दी 0, 0, 0. ओके, सिर्फ और सिर्फ हम इंक्रीज़ बाय 1 कब करेंगे 1,000 प्लेस के डिजिट को?
when the 100 plus digit is greater than 5. Okay, so this way we have to round off to the nearest thousands. Okay, now we will round off to the nearest 10,000s. अभी nearest 10,000s को कैसे round off करते हैं ये सीखेंगे. Here we have done the rounding off to the nearest thousands. Now we will round off to the nearest 10,000s. So पहले we will mark from question number 2. I am going to solve the sub part A and sub part B that you have to solve on your own. ठीक है. So first of all mark all the places. ये 10,000 प्लेस है. दिस इज़ द 1,000 प्लेस. दिस इज़ द 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस. सो नाउ वी नीड टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000. सो नियरेस्ट 10,000 मतलब ये वाले डिजिट्स को देखना है, 10,000 की डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है. तो पहले 10,000 के पहले बाद में, सॉरी 10,000 के बाद में कौन सी डिजिट आती है, थाउजेंड्स प्लेस डिजिट. सो वी हैव टू कंपेयर दिस थाउजेंड्स प्लेस डिजिट. जैसे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड में वी हैव कंपेयर्ड हंड्रेड प्लेस डिजिट. नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 हियर वी नीड टू कंपेयर द थाउजेंड प्लेस डिजिट, क्योंकि 10,000 के बाद कौन सा प्लेस आ रहा है, थाउजेंड प्लेस. सो हियर वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000. दैट्स वाई वी नीड टू कंपेयर द थाउजेंड प्लेस डिजिट. Here the thousand place digit is 3. We need to compare thousand place digit with the 5. ये जो 3 है उसको 5 से compare करो. And 3 is greater or lesser than 5? 3 is lesser than 5. Now your thousand place digit is lesser than 5. This means जो 10,000 की place है वो प्लेस का जो डिजिट है वो एज इट इज़ रहेगा. नाउ वी विल नॉट इंक्रीज 10,000 प्लेस डिजिट बाय 1, क्योंकि जो हमारी 1,000 प्लेस की डिजिट है इट इज़ लेसर दैन 5. इसको हम इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे. वाइल राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 नाउ वी हैव टू राइट 10,000 डिजिट एज इट इज़, और उसके बाद जितने भी डिजिट्स बचते हैं 1,000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस, all the digits we will round off them to the zero. ठीक है. so in this way we have rounded off this number 23,809 to the 20,000. okay, in this way we have learnt how to round off the given number to the nearest 10,000. now we will solve the question number 3. Find the actual and estimated sum by rounding off to the nearest thousands. So in question number 3 they have given us the problems in which we have to do the addition, the addition with the actual number and addition with the rounded off numbers. मतलब पहले इसमें हमने actual numbers के साथ addition करनी है, फिर दूसरे एस्टिमेटेड सम में क्या करना है, हमने ये जो नंबर्स दिए हैं उनको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 1,000. ये जो 3,281 है इसको राउंड ऑफ करेंगे हम नियरेस्ट 1,000 को. फिर जो 4,930 है इसको भी राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 1,000 को. एंड देन वी विल फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम. तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल सम and the estimated sum. So first of all we will find out the actual sum. 1 plus 0 is 1, 8 plus 3 is 11, 1 plus 2 is 3, 3 plus 9 is 12, 1 plus 3 is 4, and 4 plus 4 is 8. Okay, so this is the actual sum, 8,211. Now we need to find out the estimated sum. So to find out the estimated sum we have to round off 3,281 to the nearest 1,000. So nearest 1,000 का मतलब है, पहले तो ये number लिखो आप, 3,281.
सो वी नीड टू राउंड ऑफ दिस नंबर. पहले मार्क करो प्लेसेस, थाउजेंड प्लेस, हंड्रेड प्लेस, टेंथ प्लेस, वंस प्लेस. सो वी नीड टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड. दैट मीन्स हमें थाउजेंड प्लेस के पहले कौन सा, बाद में कौन सा प्लेस आता है, हंड्रेड प्लेस. देर इज़ अ प्लेस विच कम्स आफ्टर थाउजेंड प्लेस, दैट इज हंड्रेड्स प्लेस. सो वी नीड टू कंपेयर दिस हंड्रेड्स प्लेस डिजिट विद द फाइव. सो टू इज ग्रेटर और लेसर दैन फाइव, टू इज लेसर दैन फाइव. दिस मीन्स वी हैव टू कीप थाउजेंड प्लेस डिजिट एज इट इज. वाइल राउंडिंग ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड, वी नीड टू कीप थाउजेंड प्लेस डिजिट एज इट इज, बिकॉज हंड्रेड प्लेस की डिजिट जो है टू, इट इज लेसर दैन फाइव. सो थ्री को एज इट इज लिखो, और थाउजेंड प्लेस के डिजिट्स के बाद जो डिजिट्स आती है, हंड्रेड प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस, ऑल दोज डिजिट्स वी विल राउंड ऑफ देम टू द जीरो जीरो जीरो. सो द नंबर विच वी हैव गॉट आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स इज थ्री थाउजेंड. सो 3281 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड, दैट इज 3000. ओके, अब नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है एडिशन में 4930. नाउ वी हैव टू राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट थाउजेंड. सो एज वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड, तो थाउजेंड प्लेस के बाद कौन सी प्लेस है यहाँ पे, हंड्रेड प्लेस. सो हंड्रेड प्लेस के डिजिट को हम कंपेयर करेंगे फाइव से. सो नाइन को कंपेयर करो फाइव से. इफ वी कंपेयर नाइन विथ फाइव, वी कैन से दैट नाइन इज ग्रेटर दैन फाइव, है ना, नाइन फाइव से बड़ा है. नाउ योर हंड्रेड प्लेस डिजिट नाइन इज ग्रेटर दैन फाइव. दिस मीन्स ये जो थाउजेंड प्लेस की डिजिट है, थाउजेंड प्लेस में जो फोर है, दैट वी हैव टू इंक्रीज बाय वन. सो फोर प्लस वन, इट इज फाइव. दैट मीन्स जो थाउजेंड प्लेस की डिजिट है फोर, दैट वी हैव टू रिप्लेस बाय फाइव. सो थाउजेंड प्लेस में हम फोर के जगह क्या लिखेंगे, फाइव. And rest all other digits after thousand place, we have to round off those digits to the zero. मतलब hundred, tens और ones place के digits में क्या जाएगा, zero, zero, zero. So in this way we have rounded off 4930 to the 5000. Okay? अब ये दो जो number आए हैं after rounding off to the nearest thousand, those are 3000 and 5000, उनके हम addition perform करेंगे. तो एस्टिमेटेड में हम लिखेंगे 3281 के जगह 3000 एंड 4930 के जगह हम लिखेंगे 5000. ओके, नाउ परफॉर्म द एडिशन. 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 एंड 3 प्लस 5 इज 8. सो एस्टिमेटेड सम इज 8000 and actual sum is 8211. okay, so I have solved the question number 3 subpart A, and I want you to solve subpart B on your own. ठीक है, so मैंने question number 1 का subpart B solve किया, तो आपको A solve करना है. question number 2 का मैंने subpart A solve किया, तो आपने B solve करना है. और question number 3 का भी मैंने A solve किया, तो आपने B solve करना है. okay, और आपको कोई भी doubt है, query है इस related, तो आप मुझे पूछ सकते हो. तब तक के लिए थैंक यू.